दोस्तों आज हम देखेंगे ब्रोमीन की बैलेंसी कितनी होती है। ब्रोमीन की बैलेंसी कितनी होती है, माइनस वन होती है, तो इसी का बोलते हैं ब्रोमाइड बोलते हैं। तो ब्रोमीन क्या है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन की बैलेंसी कितनी होती है, माइनस का बन चार्ज होता है ब्रोमीन पे, ठीक है। जैसे क्या हुआ हमारा HBr है, ये HBr है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HBr। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ब्रोमीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उस केसेस में क्या होगा H पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे भी कोई दूसरा कोई भी कंपाउंड है उसमें कोई भी एटम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा तो एक उस पर चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो उस पर चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तीन लेगा तो उस पर तीन नेगेटिव चार्ज। क्यों लेता है वो, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, ठीक है। तो ऑक्टेट ऑक्टेट कोई भी एटम रहेगा वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन देकर भी कर सकता है और लेकर भी कर सकता है। अब ब्रोमीन के केसेस में क्या है, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35 होता है। तो इसके पहले वाली सेल में कितने, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी सेल में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथी सेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या है, ये क्या है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जैसे ब्रोमीन है, अब ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के पहले वाली सेल में कितना, दो इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी सेल है इसमें कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तीसरी सेल है इसमें कितने, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये क्या है, चौथी सेल है तो इसमें कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, इसमें ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन दिखा लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है ऑक्टेट इसका, इसमें बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 8, और बाहर वाली सेल में है कितने इलेक्ट्रॉनों की, 7। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 1, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से ये ले लेता है या किसी और भी आइटम से ले लेगा, तो दूसरा कंपाउंड होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक माइनस का चार्ज आ जाएगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक। उस केसेस में वो क्या बन जाएगा, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बन जाएगा, और उस केसेस में उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 35 की जगह 36 हो जाएंगे, ठीक है, 35 की जगह 36 हो जाएंगे। अब उसके उस कंडीशन में पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, तीसरी वाली सेल में कितने हो जाएंगे, 18, और चौथी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ब्रोमीन के केस में चौथी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7, और ब्रोमाइड के केस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8, ठीक है ना। तो जो ब्रोमाइड का ये जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, पहली सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीसरी सेल में कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और चौथी सेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जो हम ये ऐसे दिखा रहे हैं कोई इशू नहीं है, उसको ऐसे भी दिखा लोगे, पास पास में भी दिखा लोगे, कोई वो नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन की बैलेंसी क्या होती है, माइनस वन होती है। माइनस वन क्यों होती है, उसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन को लेने की होती है। एक इलेक्ट्रॉन को लेने की क्यों होती है, क्योंकि उसके बाहर वाली सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उसके बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और होने कितने चाहिए, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये क्या है कि पीरियोडिक टेबल में अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर भी इलेक्ट्रॉन कर लेता है। उस कंडीशन में ये करते क्यों है, ये करते हैं स्टेबल होने के लिए,
ये करते क्यों है, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाहर वाली सेल में जब सात इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहेगी, जब सात इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उस कंडीशन में इसमें 35 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस केसेस में 36 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो उस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसकी बैलेंसी माइनस की 1 हो जाएगी। तो दोस्तों तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये ब्रोमीन की बैलेंसी माइनस 1 होती है, माइनस वन होती है वो आपको पता चला इस वीडियो में। फिर माइनस वन क्यों होती, माइनस वन चार्ज कैसे आता है, तो कुछ यहाँ से आपको आइडिया लगा है। फिर माइनस वन चार्ज और कैसे करके आता है, क्योंकि उसमें मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है, और उसमें फिर एटॉमिक नंबर के बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन क्या सेल में होते हैं, ठीक है, पहली सेल में 2, 8, 18, 7 ऐसे करके, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 7, फिर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसको बाहर वाली सेल में उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि 7 में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को लेने की उसकी टेंडेंसी है स्टेबल होने के लिए अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो ये बेसिक सी नॉलेज है, ये सभी एटम की बैलेंसी या कंपाउंड की बैलेंसी का सेम ऐसा ही लॉजिक है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, धन्यवाद।